बचे हुए खाना को यूज़ कैसे किया जाए, इस्तेमाल वापस कैसे करना है। तो बहुत से लोग हैं कि तंदा खाना को फेंक दिया जाता है, तो मेरा आज का ब्लॉगिंग है कि तंदे खाना को वापस कैसे गर्म करें, रिसाइकलिंग कर दें। तो पहले मैं कढ़ाई चला देती हूँ, क्योंकि आलू भी काट चुके मैंने, आलू क्योंकि उसके बाद प्याज और ये चिल्ली मिर्चा मैंने पहले से रेडीमेड करके रखा है। तो अभी इसमें हम डालते हैं तेल, बस इतने ही कसे काफ़ी है का। खाने के बाद हम तेल को गरम कर लेते हैं, तेल जब गरम हो चुका है तो अब डालेंगे प्याज और मिर्चा। हम डालेंगे आलू को, आलू को डालेंगे, आलू को ठीक है। तो ये पक चुका है, अभी डालते हैं आलू। आलू डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद आलू को पकने देंगे। बच्चे खाने बहुत लगते होते हैं, तो इसलिए हम उसे एक नया टेक्निक बताएँ कि वापस से गर्म करके से खाना चाहिए, क्योंकि गर्म खाने पर बहुत ही लॉस हो जाता है ना, क्योंकि भी मेहनत करना पड़ता है। जब फार्मर लगे अगर वो लोग ये सब खाना मेस करते तो वो लोग सुनेंगे तो बहुत हर्ट होता है ना, जब पेरेंट्स तो हार्ड वर्किंग करने वाले जब। तब उसमें खाना भी हो गया, डाल दिया मैंने खाना, मिक्स करते रहो मिक्स करते रहो। फिर आप मेरे वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जैसा मैंने से ब्लॉगिंग करना है। और ये है चाय, मैं चाय ही बनाने जा रही हूँ मेरे साथ का ब्लॉग के लिए। तो पानी गर्म कर लेते हो, ये खाना है, खाना पक चुका है। अब ये दूध और चीनी, तो मेरा पानी भी उबल गया, पानी डालना था दिखाना भूल ही गई, लेकिन मैंने पानी डाल दिया है। पहले दूध को पानी गर्म पानी से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद डालेंगे सस्पेंड में। ओहो मेरा कैमरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या, तो ये है दूध, अभी हम दूध में डालेंगे चाय पत्ती, यानी कि सियांग पी, ठीक है। डाल दिया गया है मैंने, तो इसे उबलने देते, पकने देते हैं पहले। तो ये लीजिए मेरी चाय भी रेडी है, हो गई। अभी डालेंगे कप पे, बस काफ़ी हो गया है। कितनी मेहनत करना पड़ता है ना। ये हो गई मेरी चाय भी रेडी, ओके अब ये खाना भी रेडी है। वाह इतना यम्मी दिख रहा है, तो ये मेरी चाय, वाह गाइस आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ये भी, ताकि तंदे खाने को बचाने के लिए इसे यूज़ करने के लिए आप भी एक बार ट्राई कीजिए अपने घर में। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, मेरे बाल देखने लायक है। मैंने चेहरा तो धुलाया था लेकिन इतने इम्प्रेशन है, बट कोई बात नहीं। तो गाइस ये है मेरा आज का ब्लॉगिंग, तो आलू को अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वाह चाय, तो ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।